हेलो एवरीवन वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास ट्वेल्थ आईटी स्टूडेंट्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट थ्री फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग फॉर टर्म टू एग्जामिनेशन सो योर टर्म वन एग्जामिनेशंस आर ओवर सो आई होप कि आपके टर्म वन एग्जाम बहुत अच्छे हुए होंगे नाउ वी शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर टर्म टू So, first of all, we should know what is Java. Java is a programming language. So, what is programming language? What is program? This is explained in this first paragraph. Welcome to Fundamentals of Java Programming. You will learn to write and execute Java programs. So, in this unit, you will learn how we can create and execute means run Java programs.

ए प्लस बी और उसे फिर हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उस सम को प्रिंट करवाते हैं सो so फोर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सीक्वेंस में लिखे होंगे फॉर परफॉर्मिंग एडिशन सो इट मेक्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम द इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू सो यहाँ ये आपकी इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन है दैट इंस्ट्रक्शंस गिव द कमांड टू द कंप्यूटर दैट वट इट हैज टू डू एंड हाउ टू डू इट Programming is the preparation and writing of programs for computers. So what is programming? It is a process of writing program for computers and who are programmers the one who write programs in high-level programming languages such as Java. So Java C++, Python, Ruby or Scala. These all are high-level programming languages. So you all know that third-generation language jo hai, that is also called high-level programming language. However, एज़ यू आर ऑलरेडी अवेयर कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इट्स ओन लैंग्वेज दैट इज मशीन लैंग्वेज सो ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो कंप्यूटर होता है उसे कोई और लैंग्वेज नहीं समझ में आती है एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज सो मशीन लैंग्वेज क्या होती है इट कम्प्राइज ओनली टू डिजिट्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और या फिर बेट्स सो दैट इज़ ज़ीरो एंड वन जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में सब कुछ लिखा होता है मशीन लैंग्वेज में सो दिस इज़ नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज है वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होती है तो कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है तो फिर देयर शुड बी आर ट्रांसलेटर सो ये भी हमने पढ़ा है कि जो प्रोग्रामर्स हैं उन्हें जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजिली समझ में आती है क्योंकि मशीन लैंग्वेज सब जीरो वन के फॉर्म में होती है तो उसे लर्न करना एज वेल एज़ उसमें कोई भी एरर फाइंड करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट तो जो प्रोग्रामर हैं वो कोड लिखते हैं प्रोग्राम लिखते हैं इन हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज तो उसे लर्न करना और उसमें एरर फाइंड करना बहुत ईजी होता है बट नाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामर्स प्रेफर हाई लेवल लैंग्वेज तो फिर कोई तो होना चाहिए जो उस लैंग्वेज को जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें और फिर मशीन लैंग्वेज के थ्रू जब कंप्यूटर उससे आउटपुट देना चाहता है सो अगेन सो दैट प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड यूज़र कैन अंडरस्टैंड तो उसे फिर से कोई ट्रांसलेट बैक करने वाला होना चाहिए सो हेयर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स आर द ट्रांसलेटर्स तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि फॉर असम्बली लैंग्वेज फॉर कन्वर्टिंग असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज एंड बैक टू मशीन असेंबली लैंग्वेज असम्बलर इज़ यूज असम्बलर एक ट्रांसलेटर होता है जो असम्बली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है बट फॉर हाई लेवल लैंग्वेज वी यूज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर फिर हमें डिफरेंस भी बता चाहिए कंपायलर एंड इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफ्रेंस होता है compiler रीड्स द कंप्लीट कोड कंपाइलर क्या करता है एक बार में ही पूरा कोड जो है रीड कर लेता है उसको फिर डिबक करता है और एक ही साथ उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जबकि जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है प्रोग्राम और उसे कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज और इन केस अगर फर्स्ट लाइन में एरर आ गया तो पहले उस एरर को रिमूव करेंगे तभी जाके जो इंटरप्रेटर है वो सेकेंड लाइन में को रीड करेगा सो इट वेट्स अंटिल द एरर इज रिमूवड इन दैट लाइन तभी वो नेक्स्ट लाइन में जाता है सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर सो हेयर कंपाइलर इज़ नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम कोड इन टू मशीन लैंग्वेज कोड दैट विल बी अंडरस्टैंड बाई द अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर आफ्टर अ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड मशीन कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर सो ओबियसली अब मशीन कोड है तो

या कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसे ही अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में दैन देर विल बी अ डिफरेंट मशीन कोड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और तभी वो एग्जीक्यूट होगा नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ जावा इज़ अ वेरी पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो वी ऑल नो दैट जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवन लाइक पाइथॉन इज़ अ ट्रेंडिंग लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है इस टाइम पे पाइथॉन बट स्टिल जावा इज़ ऑलसो यूज फॉर क्रिएटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन सचेज डेटा बेस्ड एप्लीकेशन्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन्स मोबाइल ऐप्स गेम अमंग अदर्स जावा कम्पाइलर तो यहाँ से आपकी मेन लाइन यूज़ स्टार्ट होती है तो आपको ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए जावा कम्पाइलर इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग जावा कोड इंटू मशीन लैंग्वेज कोड ट्रांसलेट इट इंटू जावा बाइट कोड सो लाइक अदर कम्पाइलर डायरेक्टली कन्वर्ट द कोड वट एवर इज़ रिटन इन हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टू मशीन कोड सो बट हेअ जो जावा कंपाइलर है वो जावा कोड को पहले जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है सो यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस कि जावा प्रोग्राम या जावा कोड जो है पहले जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है सो लाइक इट इट इज़ एनसीआर टी तो कोई यहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं बनाए कि आपको ईजिली समझ में आए तो आप खुद से अपने नोट्स बना सकते हैं लाइक जावा कोड जो है पहले जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है थ्रू जावा कंपाइलर एंड देन जावा बाइट कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय जे वी एम दैट इज जावा इंटरप्रेटर तो ये जावा इंटरप्रेटर है एंड फुल फॉर्म ऑफ जे वी एम इज जावा वर्चुअल मशीन सो फर्स्ट जावा कंपाइलर इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग जावा कोड इंटू जावा बाइट कोड तो ये आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में एंड देन वैन द बाइट कोड ऑल्सो कॉल अ जावा क्लास फाइल इज टू बी रन ऑन अ कम्प्यूटर अ जावा इंटरप्रिटर कॉल द जावा वर्चुअल मशीन ट्रांसलेट द बाइट कोड इंटू मशीन कोड एंड देन एग्जीक्यूट सो वट इज जावा बाइट कोड इट इज़ अ जावा फाइल ओनली इट इज़ अ जावा क्लास फाइल जिसको हम किसी भी सिस्टम में सेव कर सकते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग जावर प्रोग्राम इंटू जावा बाइट कोड तो जब हम सिस्टम में सेव कर लेते हैं तो उस सिस्टम में क्या होना चाहिए जावा इंटरप्रेटर होना चाहिए दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन एंड देन दिस जावा वर्चुअल मशीन दिस इंटरप्रेटर इज़ गोइंग टू कन्वर्ट दिस बाइट कोड ऑन देट कंप्यूटर इन टू मशीन कोड उस कंप्यूटर के लिए उस उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा इंटरप्रेटर जो है जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा एंड देन जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया दैन इट इज़ एग्जीक्यूटेबल तो फिर हम उस प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं सो आई विल रीड दिस लाइन अगेन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आ जावा कंपाइलर इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग जावा कोड टू मशीन लैंग्वेज कोड तो जावा कोड डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज कोड में नहीं ट्रांसलेट होता है बाय द जावा कंपाइलर इट इज़ ट्रांसलेटेड इन जावा बाइट कोड तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि जावा कंपाइलर जावा कोड को किस में ट्रांसलेट करता है सो यू शुड नो कि सबसे पहले जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है थ्रू जावा कंपाइलर देन वट इज बाइट कोड इट इज़ अ हाईली ऑप्टीमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और वी कैन से दैट इट इज़ अ जावा क्लास फाइल तो जावा की ही एक फ़ाइल है इट इज़ टू बी रन ऑन अ कंप्यूटर अ जावा इंटरप्रेटर कॉल द जावा वर्चुअल मशीन ट्रांसलेट द बाइट कोड इन टू मशीन कोड एंड इट तो जब हमें जावा क्लास फाइल दैट इज़ बाइट कोड इसको फाइनली रन करना होता है कंप्यूटर में हमें इसका आउटपुट देखना होता है तो फॉर दैट दिस कंप्यूटर जिसमें हम इसे रन कर रहे हैं उसमें कौन सा आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए जावा इंटरप्रेटर दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन तो यही सॉफ्टवेयर जो है फाइनली मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा एंड दैट वी विल बी एबल टू सी द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम एडवांटेज ऑफ सच एन अप्रोच इज़ दैट वंस अ प्रोग्रामर हैज़ कम्पाइल्ड अ जावा प्रोग्रामिंग टू बाइट कोड इट कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म तो एक बार हमने बाइट कोड बना दिया है तो उस बाइट कोड को हम किसी भी सिस्टम में रन कर सकते हैं बिकॉज़ इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये बाइट कोड जो है एक जावा फाइल ही है जिसको हम क्या कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं बट उस प्लेटफॉर्म में जे वी एम होना चाहिए यानी कि जावा वर्चुअल मशीन होनी चाहिए दिस मेक्स प्रोग्राम जावा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हाईली पोर्टेबल मीन्स वन प्रोग्राम कैन बी यूज इन अनदर सिस्टम इन अनदर प्लेटफॉर्म सो दैट इज़ प्लेटफॉर्म इन इंडिपेंडेंट यानी कि अगर हमने विंडोज़ के लिए एक प्रोग्राम बनाया जावा प्रोग्राम वही सेम प्रोग्राम जो है मैक ओ एस में भी वर्क कर सकता है या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकता है लेट्स ए लिनक्स सो दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हाईली पोर्टेबल टू Write a Java program, you need a text editor. So, what what softwares we need? We need text editor for writing the code and a Java compiler for compiling the code into bytecode. The so make Java compiler and text editor and Java virtual machine, obviously, Java interpreter. There are a variety of Java integrated development environments available in the market. So, Java integrated development environment, what are these? They are equipped with टेक्स्ट एडिटर एंड जावा कंपाइलर तो इसमें टेक्स्ट एडिटर भी होता है इट मीन्स कि हम सिंपली कोड लिख सकते हैं इसमें एज वेल एज इट कंसिस्ट ऑफ जावा कंपाइलर तो आपका जो कोड है उसमें डिबग भी हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू अ जावा बाइट कोड एंड दस सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कम्पाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम तो ये जो जे डी ई है जे आई डी ई है इट जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट दैट इज़ यूज फॉर राइटिंग कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम तो हम जावा प्रोग्राम का आउटपुट भी देख सकते हैं इसके थ्रू नाउ मोस्ट ऑफ दैम आर फ्रीली डाउनलोड फ्राम इंटरनेट सो मोस्ट ऑफ दी जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट आर ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर वन ऑफ द ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर इज जावा नेट मीन्स आई डी ई फॉर राइटिंग जावा प्रोग्राम सो इन दिस यूनिट वी आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर ओनली सो इन अपेंडिक्स ए दिस steps are given how to download this software so we will download this so if you are having computer at your home then computer laptop any type of computer then you can download this netbeans for practicing it so this is appendix a given in your book you can follow the steps given in this or you can just open a web browser and in web browser you can search for netbeans ide for

इंस्टॉलर दिस आई डी इंस्टॉलर विल स्टार्ट डाउनलोडिंग एंड दिस इज़ अ जिप फाइल तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट भी करना होगा नाउ यू कैन सी दैट एंड डाउनलोड्स फोल्डर इट इज़ डाउनलोडेड सो वट वी हैव टू डू वी हैव टू एक्सट्रैक्टेड इट इज़ अ जिप फाइल सो वी हैव टू एक्सट्रैक्टेड सेलेक्ट द फोल्डर एंड क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट टू आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्टेड टू C drive. Now I'll go to C drive. So once you are having this folder netbeans in the C drive, you will open it. Then you will open this bin folder. Then you will get this netbeans option. Click here, double click, and your netbeans window will be opened. After this, you have to

और उसके बाद आप इजीली जावा का लिंक आपके पास आ जाएगा यू कैन इंस्टॉल इट इन केस अगर नहीं हो पा रहा है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट आल्सो कि आप कैसे जावा इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन यू कैन इजीली यूज़ नेट मीन्स क्योंकि कभी कभी ऐसा एरर आ जाता है लाइक वैन वी क्लिक ऑन नेट मीन्स इट गिव्स यू एरर लाइक रिक्वायर जावा वन पॉइंट एट और हायर वर्जन सो इफ़ यू आर गेटिंग सच एरर देन यू कैन आस्क इन कॉमेंट बॉक्स देन आई क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो सो आई होप कि आपने भी अपने सिस्टम में जो है नेटबीन्स डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया होगा सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम इन नेट नेटबींस हाउ टू क्रिएट अ सिंपल जावा प्रोग्राम इन नेट नेटबींस तो आज हमने बस इतना ही देखा है कि जावा क्या होती है उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैसे वर्क कर सकते हैं वट इज़ लाइक जावा बाइट कोड हमने ये देखा वट इज़ जावा बाइट कोड एंड हाउ टू इंस्टॉल नेट बीस इन आर कम्प्यूटर आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी एंड इन नेक्स्ट वीडियो नाउ वी विल स्टार्ट आर मेन प्रोग्रामिंग ओके सो स्टेट यूट फॉर मोर वीडियोज़ फॉर रिमेनिंग वीडियोज़ फॉर दिस यूनिट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो